हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संचना और मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल लव यू द एकेडमी में। तो बेसिकली हम होम बेस्ड जॉब लेकर आते हैं आपके लिए। एक सीरीज चलती आ रही है जिसमें हम आपको अलग अलग जॉब्स के बारे में बताते हैं जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो ध्यान रखिएगा, आराम से आप इन जॉब्स को अप्लाई कर पाएंगे और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों चलिए पहली जॉब की तरफ बढ़ते हैं, और जो पहली जॉब है वो है डाटा एंट्री की। आप फ्रीलैंसिंग वर्क करते हैं आराम से 2 से 3 घंटा विदाउट इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप आराम से काम करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं इस लॉकडाउन में। तो जो कंपनी प्रोफाइल है वो है द टूर वेकेशंस, और जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो है फ्रेशर्स टू 3 ईयर्स। और सैलरी पैकेज की बात करें तो यहाँ पे 3 लाख मिनिमम और मैक्सिमम 5 लाख पर ईयर। लोकेशन आपकी रहेगी चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद। वैसे तो आप पूरे ओवरऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए, लेकिन कंपनी जो है वो प्रेफर करती है चेन्नई, बेंगलुरु या हैदराबाद के लोगों को, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे लोकेशन दे रखा है। बट ऐसा नहीं है, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, तो घबराइए मत। अब आगे बढ़ते हुए जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, तो आप इंटरनेट से घर बैठे वीकली पैसे कमा सकते हैं अपने कन्वीनियंट से। तो बस आपको प्रमोट करना है वर्ल्ड वाइड ट्रैवल को और टूरिज्म को फ्री ऑनलाइन टूल से। सैलरी आपको वीकली बेसिस पे मिलेगी, और अगर आप पार्ट टाइम करते हैं, मतलब पार्ट टाइम ही जॉब है तो ऑब्वियसली आप लोग पार्ट टाइम करोगे, तो 4,000 to 6,000 पर वीक। तो आप आराम से, सिर्फ आपको करना कुछ नहीं है, इंटरनेट के थ्रू प्रमोट करना है उनकी जो वर्ल्ड वाइड ट्रैवल है और टूरिज्म को। वहीं आगे बढ़ते हैं, हम कैंडिडेट प्रोफाइल की बात करते हैं। तो कैंडिडेट को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके पास लैपटॉप या स्मार्टफोन होना चाहिए। अच्छा, इस जॉब के लिए स्मार्टफोन इसलिए है कि आप प्रमोटर्स फ़ोन से भी कर सकते हो आराम से। और यहाँ पे ये भी बताया गया, अगर आप घर पे अवेलेबल नहीं है तो आप हमारे ऑफिस में आके भी काम कर सकते हो, बस आपके पास बेसिक इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए, और आपके जो एज है वो 18 ईयर्स से अबव होनी चाहिए। आप ग्रेजुएट हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, और आपकी जो स्पीकिंग स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए, चाहे तो वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो। फिर तो आगे अब जॉब इन्फो की बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हुए। तो रोल जो है वो है टूर मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव का। इंडस्ट्रियल टाइप आपका रहेगा ट्रैवल, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एयरलाइंस, रेलवेज। फंक्शनल एरिया आपका रहेगा टूर, ट्रैवल, टिकटिंग, एयरलाइंस। और एम्प्लॉय टाइप है फुल टाइम परमानेंट, और रोल कैटेगरी है टिकटिंग, ट्रैवल, डॉक्यूमेंटेशन। वही एजुकेशन की बात करें तो बेसिकली कोई भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर आप 10th 12th पास हैं तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्किल्स की रिक्वायरमेंट है आपको, या तो लैंग्वेज पे हिंदी में कमांड होनी चाहिए या फिर इंग्लिश में। वहीं आगे बढ़ते हो, आप की स्किल्स की बात करें अगर हम, तो कंप्यूटर ऑपरेटर, बैक ऑफिस, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर रहेंगे आप, आपको एमएस ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए, एक्सेल की, वर्ड की और पावर पॉइंट, और आप यहाँ पे कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब दूसरी जॉब की तरफ बढ़ते हैं जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की है ये भी जॉब। तो कंपनी प्रोफाइल की बात करते हैं अगर हम, तो एक्सपीरियंस में फ्रेशर्स टू 3 ईयर्स है, और जो सैलरी पैकेज रहेगा आपका वो है 1,25,000 to 2,50,000 पर ईयर। वहीं अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो वैसे तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वैसे बेसिकली जो लोकेशन रहेगी वो है पुणे, हैदराबाद और बिलासपुर। तो जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, जो कैंडिडेट है वो पार्ट टाइम फुल टाइम भी जॉब कर सकता है अगर वो चाहता है घर बैठे बैठे। सिर्फ 2 से 3 घंटे उसे काम करना है, कोई टारगेट नहीं है, कोई टाइम बाउंड नहीं है। यहाँ पे आप आराम से घर पे पीसी, लैपटॉप, मोबाइल पे ये काम कर सकते हो अपनी डाटा एंट्री की जॉब के अकॉर्डिंग। कैंडिडेट प्रोफाइल की बात करूँ आगे मैं, तो जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनकी रिक्वायरमेंट है उनका कंप्यूटर आना चाहिए, और आपको मैनुअल बेस्ड प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, और साथ ही आपके पास लैपटॉप या सिस्टम होना चाहिए। पेमेंट आपको वीकली, मंथली मिलेगी, जैसी आप रिक्वायरमेंट होगी, आप जैसे चाहते हो वैसे। और कोई वर्क प्रेशर नहीं रहेगा, टाउन बाउंड नहीं रहेगा, आप खुद के बॉस रहोगे इस काम को करने के लिए। वहीं जॉब इन्फो की अगर हम बात करते हैं दोस्तों आगे, तो जो जॉब रोल है वो है फ्रेशर्स के लिए, और जो इंडस्ट्रियल टाइप है वो है BPO, कॉल सेंटर, ITES। फंक्शनल एरिए की बात करें तो वो ITES, BPO, KPO, LPO, कस्टमर सर्विसेज एंड ऑपरेशंस रहेगा। एम्प्लॉय टाइप फुल टाइम और परमानेंट है यहाँ पे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अदरवाइज तो ये जॉब जो डाटा एंट्री की है इनको 10th 12th के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जो खुद कॉलेज गएंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, हाउसवाइफ्स भी अप्लाई कर सकती हैं, और साथ ही अगर आप ग्रेजुएट हो और अंडर ग्रेजुएट हो या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, अगर आप 10th 12th पास भी हो
तो भी अप्लाई कर सकते हो, और आपके लिए अच्छा भी रहेगा ये अप्लाई करने के लिए। की स्किल्स की बात करें तो आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, और आपको बैक ऑफिस की थोड़ी बहुत अगर नॉलेज है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। डाटा एंट्री ऑपरेटर आप होने वाले हो, एमएस ऑफिस में एक्सेल और वर्ड की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम तीसरी जॉब की तरफ बढ़ें तो आप ये जॉब इसलिए चुनोगे क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर की है। बेसिकली अभ्युत अकेडमी यहाँ पे जो भी हमारा चैनल है लेकर आ रहा है जॉब्स आपके लिए जो जेन्यून है और आप जिनसे जुड़ सकते हो और आराम से पैसे कमा सकते हो, क्योंकि ये इंडिया बेस्ड हैं। आपको कोई प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी भी नहीं आती यहाँ पे आराम से घर बैठे पैसे कमाने में। तो कंपनी प्रोफाइल की तरफ बढ़ते हैं तो जो कंपनी है वो है ज़रबैक सॉल्यूशन। एक्सपीरियंस जो है फ्रेशर्स टू 2 ईयर्स, और साथ ही सैलरी की बात करें तो 1,50,000 मिनिमम है और मैक्सिमम 4 लाख पर ईयर। लोकेशन की बात करें तो गुवाहाटी, लखनऊ और हैदराबाद है, बट आप कहीं से भी अप्लाई करने में सक्षम हो, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। अब जॉब डिस्क्रिप्शन की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे वह बेसिकली अर्जेंट रिक्वायरमेंट है पार्ट टाइम या फुल टाइम प्रमोशन वर्क्स की, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हो या फुल टाइम करना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी है बेसिकली कि आप क्या करते हो आगे, और सिर्फ आपको 2-3 घंटे पूरे दिन में देने हैं, और अपनी रेगुलर जॉब के साथ भी आप ये जॉब कर सकते हो। कोई प्रेशर नहीं है, कोई बाउंड नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, और आप खुद के बॉस हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से बेसिकली शांत मन से भी काम कर सकते हो। लैपटॉप सिस्टम और एंड्रॉयड फ़ोन अवेलेबल है आपके पास, तभी आप इस जॉब को अप्लाई कर पाओगे। वैसे तो आजकल सभी के पास होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं कैंडिडेट प्रोफाइल की तरफ बढ़ें तो आपको इंटरनेट नॉलेज होनी चाहिए इंटरनेट की, और वहीं डाटाबेस ऑन अ रेगुलर बेसिस आप मेंटेन करके रखोगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाके कंपनी के साथ जुड़ने के बाद। और जॉब इन्फो की बात करें तो फ्रेशर्स जो जॉब रोल है वो है, और साथ ही इंडस्ट्रियल टाइप है बीपीओ, कॉल सेंटर, आईटीईएस। फंक्शनल एरिया की बात करें तो आईटीईएस, बीपीओ, केपीओ, एलपीओ, कस्टमर सर्विसेज, ऑपरेशंस है। एम्प्लॉई टाइप है पार्ट टाइम, फ्रीलांस और होम बेस्ड। और एजुकेशन की बात करते हैं तो अगर आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, वैसे अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है ग्रेजुएट की या पोस्ट ग्रेजुएट की। 12th पास हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर अंडर ग्रेजुएट हो या अंडर पोस्ट ग्रेजुएट हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, 10th कर रहे हो या 12th कर रहे हो तब भी अप्लाई कर सकते हो। तो कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पे अप्लाई करने में। की स्किल्स की बात करें तो आपको इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं आप, एमएस ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए, एमएस ऑफिस में वर्ड की सबसे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, आप टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आप बैक ऑफिस का काम करने वाले हो। तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम चौथी जॉब की तरफ बढ़ेंगे। तो चौथी जॉब भी ऑनलाइन डाटा एंट्री की है, तो आज मैं डाटा एंट्री और कंप्यूटर ऑपरेटर की ही जॉब लेकर आई हूँ आपके लिए। तो कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो RSV इन्फोटेक है कंपनी, और एक्सपीरियंस की बात करें फ्रेशर्स टू 4 ईयर्स, तो फ्रेशर्स के पास अच्छा चांस है इन जॉब्स को अप्लाई करने के लिए, अभी तक जो मैंने 4 जॉब आपको बताई हैं यहाँ पे। सैलरी की बात करें तो 1,75,000 है, और मिनिमम और मैक्सिमम है 6,75,000 पर ईयर। लोकेशन आपकी जो है बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है कंपनी को लोकेशन में, अदरवाइज आप कहीं से भी, जब हम होम बेस्ड जॉब की बात करें तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, चेन्नई, पुणे, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चंडीगढ़, हैदराबाद, ये कुछ बेसिकली स्टेट दी गई हैं शायद जिनको वो प्रेफर करेंगे पहले। अदरवाइज अगर आपका काम अच्छा है तो मे बी शायद आपको भी कर सकते हैं, तो ऐसा कोई कुछ मत सोचिएगा कि आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं से भी आप अप्लाई कर पाएंगे आराम से, तो इस जॉब को आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर कैंडिडेट प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पे जब हम जॉब डिस्क्रिप्शन पे आते हैं तो यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल और जॉब डिस्क्रिप्शन एक साथ दे रखा है। तो कैंडिडेट जिसको पार्ट टाइम जॉब की रिक्वायरमेंट हो उसके लिए खास अपॉर्चुनिटी दी जा रही है यहाँ पे, और वर्क फ्रॉम होम वो कर सकता है और कमा सकता है 40K in 10 days, यानी कि 40,000 आप सिर्फ 10 दिन में कमा सकते हो। मेडिकल कंटेंट टाइपिंग करनी है आपको यहाँ पे, और 12 से 20 बॉक्सेस मिलेंगे आपको कॉपी पेस्ट करने के लिए, तो ये एक तरह से कॉपी पेस्ट की जॉब है। और एक्सेल न्यूमेरिक एंट्री भी करनी है आपको और मैनुअल फॉर्म फिलिंग भी। तो यहाँ पे आपको बेसिकली 10 दिन में जब 40,000 दे रहे हैं वो, तो यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट की जॉब दे रहे हैं, एक्सेल न्यूमेरिकल एंट्री दे रहे हैं और मैनुअल फॉर्म फिलिंग दे रहे हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको यहाँ पे आराम से 10 दिन में घर बैठे पैसा कमाने की। और जॉब इन्फो की बात करें तो यहाँ पे जो जॉब रोल है वो है ट्रेन का, और जो जॉब में इंडस्ट्रियल टाइप है वो है आईटी सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर सर्विसेज। फंक्शनल एरिया आपका रहेगा आईटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, प्रोग्रामिंग एंड मेंटेनेंस। एम्प्लॉय टाइप है फुल टाइम परमानेंट। वहीं एजुकेशन की बात करूं तो यहाँ पे ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप 12th पास हैं तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं,
बस आपको इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए। की स्किल्स की बात करें हम यहाँ पे, तो कंप्यूटर ऑपरेटर, बैक ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए जो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है, और एमएस ऑफिस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, और कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर तो आप होंगे ही। अब पांचवी जॉब की बात करते हैं दोस्तों, चलिए आगे। तो पांचवी जॉब जो है वो टाइपिंग वर्क है। तो वैसे तो बेसिकली डाटा एंट्री, कंप्यूटर ऑपरेटर, टाइपिंग वर्क की जॉब ही बताई है मैंने आज आपको। तो कंपनी प्रोफाइल की तरफ बढ़ते हैं हम पांचवी जॉब की। तो राव एजू सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, और एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स टू 4 ईयर्स है। और वहीं लोकेशन की बात करें तो कोटा, पुणे, वापी, नागपुर, नवी मुंबई, दिल्ली, मुंबई, पटना, ये कुछ बेसिकली लोकेशंस दे रखी हैं। तो आप वैसे तो किसी भी इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, बट लोकेशन दे रखी है, शायद वो लोग प्रेफर वहीं की लोगों को ज़्यादा करेंगे जो उनके पास रहते हो। बट होम बेस्ड जॉब में ऐसा कुछ नहीं होता, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, हो सकता है कि आपको भी मिल जाए आपका काम देख के। तो यहाँ पे अर्जेंट जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें अगर हम आगे, तो अर्जेंट ओपनिंग है, घर पे काम करने वाले चाहिए उनको, और ये फुल टाइम जॉब नहीं है, पार्ट टाइम जॉब है। और साथ ही आपको, मतलब कि अगर आप लीड जनरेट कर पाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसे भी दिए जाएंगे यहाँ पे। कैंडिडेट दे नीड टू डू कॉलिंग एंड कन्वर्ट, तो मतलब आपको कॉलिंग आती है तो बेसिकली और भी अच्छा है कि आप इसमें अच्छे से अपना काम कर पाएंगे और कॉलिंग करके लीड जनरेट कर पाएंगे। तो जो BPO में काम करते थे, तो अभी तो जहाँ तक मुझे पता है कि BPO बंद है, तो वो लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी BPO में काम करते थे, क्योंकि उनको कॉलिंग की नॉलेज है, वो आराम से इनको कर पाएंगे। अदरवाइज हाउसवाइफ्स हैं तो उनके लिए भी एक आसान टर्म है किसी को कन्वर्ट करने का, समझाने का चीज़ों को, तो आप आराम से कर सकते हो। तो कैंडिडेट घर बैठे काम कर सकते हैं और आराम से टास्क पूरा कर सकते हैं। जॉब इन्फो की बात करें हम, तो जो जॉब रोल है वो है टेली सेल्स, टेली मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और ऑफिसर का। इंडस्ट्रियल टाइप आपका रहेगा एजुकेशन, टीचिंग, ट्रेनिंग, एंड फंक्शनल एरिया रहेगा सेल्स, रिटेल, बिजनेस डेवलपमेंट। एम्प्लॉयमेंट टाइप है फुल टाइम परमानेंट, एंड सेल्स सपोर्ट है। अब आगे एजुकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो और भी अच्छा है, ताकि आप हिंदी और लैंग्वेज आराम से समझ पाएंगे, कॉलिंग में भी आपको थोड़ा सा आसान रहेगा। लेकिन जो 10th 12th पास हैं वो भी आराम से इस जॉब को कर सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है आगे। की स्किल्स की बात करें तो पहली स्किल तो ये है कि आपको कॉलिंग आनी चाहिए, दूसरी है कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, बैक ऑफिस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, और एमएस ऑफिस की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर भी रहेंगे, साथ ही आपको कुछ कॉलिंग्स भी करनी है। तो अब आप इन पांचों जॉब के बारे में तो आराम से जान ही गए हो, अब आप इसको अप्लाई कैसे करोगे? मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप उन पे क्लिक करके जौन सी जॉब आपको पसंद हो इन पांचों में से उन जॉब को अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और दोस्तों में शेयर कीजिए। जो खाली बैठे हैं घर पे, जो बोर हो रहे हैं, वो इस जॉब से आराम से पैसे कमा सकते हैं। और साथ ही अगर आपको ये अच्छी लगी है, जेन्यून लगी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको होम बेस्ड जॉब की न्यू अपडेट्स मिलती रहें।